आज ओडिशा छुईची मौसुमी जार प्रभाव में आसंता दुई दिन वर्षा परिमाण बढ़िबो। मौसुमी प्रभाव में आज राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा आरंभ हो जाएगी। तबे गतकाली ठारु मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गंजाम नवरंगपुर गजपति जिले में वर्षा आरंभ हो सूचना देते भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र। आकलन अनुजाई पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर में सृष्टि घूर्णिवलय लघुचापे परिणत हो घनीभूत हो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुछि, जहाँफल 12 तारीख जाए दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा आशंका नहीं पूर्वानुमान करा जायछि। एनेइ 8टी जिला को सतर्कता सूचना जारी करा जायछि। एही समय रे समुद्र भितर को मत्स्यजीवी को जीवा को बारण करा जायछि। आसंता 48 घंटा मध्य रे वर्षार परिमाण बढ़िबार संभावना रहितबार विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। सेहिपरि गत 24 घंटा मध्य रे कोरापुट मालकानगिरी जिले रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होईछि। एहा सह केन्दुझर और मयूरभंज रे घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रहिछि। 13 तारीख में वर्षार परिमाण कमिबो एवं भुवनेश्वर आकाश मेघुआ रहिबा सह अल्प परिमाण वर्षा हेबो बोली कुहा जाउछि। चलित वर्ष मौसुमी वर्षार ओदा हेबो रज मौज। आज 11 जून हमारा साउथ वेस्ट मनसून उड़ीसा का कुछ पोर्सन में एडवांस हुआ है। मेनली साउथ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट एक 2-4 डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ है। मालकानगिरी कोरापुट पूरा हुआ, पार्ट्स ऑफ नवरंगपुर रायगढ़ गजपति गंजाम इसका पार्ट्स कुछ पोर्शन में हुआ है। तो मालकानगिरी कोरापुट का पूरा हुआ है, नवरंगपुर रायगढ़ गजपति गंजाम ये डिस्ट्रिक्ट का कुछ पोर्शन में टच किया है। ठीक है, अब जगदलपुर जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ से गोपालपुर ये जो लाइन खींचने से उसका साउथ पोर्शन में जो हमारा एरिया आ रहा है उसी एरिया में अभी मानसून हमारा पहुंचा है उड़ीसा में। ठीक है, तो अभी अगला 48 आवर्स में अगला 2 दिन तक और भी एडवांस होने का चांसेस है, वो कंडीशन फेवरेबल बन रहे हैं। और कल जो लघुचाप हमारा था वो अभी वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग हमारा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल ऑफ हमारा उड़ीसा कोस्ट एंड आंध्र प्रदेश कोस्ट का पास में है। इसका प्रभाव में और अभी पिछले 24 घंटा का जो वेदर हुआ उसमें आपका पिछले 24 घंटा में हमारा साउथ उड़ीसा में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ही रेनफॉल हुआ है। एक दो जगह में हैवी रेनफॉल में भी हुआ है। चंदनपुर उसमें थंडरस्टॉर्म का साथ हुआ है, 71 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है। और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में पोटांगी 60.0 मिलीमीटर वो हाइस्ट रेनफॉल है। ठीक है, तो अभी अगला 24 घंटा के लिए हमारा जो फोरकास्ट है इसमें उड़ीसा का साउथ उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ही लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का चांसेस है। कोस्टल उड़ीसा में भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल सभी जगह में, नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा में भी और नॉर्थ इंटीरियर में मेनी प्लेसेस में रेनफॉल रहेगा। नॉर्थ इंटीरियर में मेनली थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ रेनफॉल रहेगा और साउथ में जो है उसमें मानसून फ्लो का रिगार्डिंग और लो प्रेशर का रिगार्डिंग जो है वो का उसका बारिश रहेगा। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक दो जगह में हो सकता है कोरापुट मालकानगिरी में, और हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है नवरंगपुर कालाहंडी रायगढ़ गजपति गंजाम कंधमाल पुरी ये सब डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में हमारा लो प्रेशर का लघुचाप का साथ रिलेटेड हैवी रेनफॉल एक दो जगह में हो सकता है। केवंझर मयूरभंज बालासोर इसमें भी हैवी रेनफॉल का थंडरस्टॉर्म का साथ होने का चांसेस है। और नॉर्थ उड़ीसा का नॉर्थ इंटीरियर का सभी डिस्ट्रिक्ट खुर्दा हमारा कटक जाजपुर भद्रक इसी में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का साथ मॉडरेट रेनफॉल होने का चांसेस है। फिर कल भी आज 12 तारीख कल भी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। साउथ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ही बारिश होगा, नॉर्थ उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में रहेगा। और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल नवरंगपुर और नोआपारा ये दो डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, और हैवी रेनफॉल कालाहंडी कोरापुट बोलांगीर कंधमाल गंजाम ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें से एक दो जगह में हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है। फिर 13 तारीख में भी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा बट थोड़ा सा रिड्यूस होगा, इसमें मेनली हमारा मेनी प्लेसेस में ही बारिश रहेगा। मेनली इंटीरियर उड़ीसा का में इंटेंसिटी थोड़ा सा रहेगा वेस्टर्न पार्ट में, बड़ागढ़ नवापारा संबलपुर सुंदरगढ़ इसमें एक दो जगह में हैवी रेनफॉल हो सकता है 13 तारीख को। 14 तारीख और 15 तारीख पे भी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा बट इंटेंसिटी कम रहेगा। यही है भुवनेश्वर सिटी में अभी आपका जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा बट
धूप भी निकलेगा, बट इसमें रेनफॉल एक्टिविटी ऑलरेडी थोड़ा सा रेनफॉल हुआ है सुबह, अभी इवनिंग नाइट का तरह भी रेनफॉल एक दो स्पेल्स होने का चांसेस है।